देखिए, संबंध में कोई ऑफिशियल कोई लेटर या कोई जानकारी मेरे तक तो नहीं पहुंची है। आपको सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसा बताया गया कि ऐसा कोई ट्वीट या ऐसा पोस्ट किया गया, जो किसी को जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं मिली है, तो इस संबंध में अभी मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा। बाकी धर्मनगरी यहाँ सभी का स्वागत है, यहाँ पर आज गंगा दशहरा का स्नान भी है, 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, तो सभी का स्वागत है धर्मनगरी में। और पावन दिवस है तो कोई भी आना चाहता है तो आ सकता है यहाँ पर। शाम 6 बजे का टाइम उन्होंने बताया, वो आरती का समय भी, अगर ऐसा होता है तो पुलिस के लिए क्या अगर ऐसा होता है? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि आज गंगा दशहरा का स्नान है, पर्याप्त पुलिस बल ड्यूटी पर लगा हुआ है, साथ ही साथ श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में आ रखे हैं, तो अगर कोई 10-5 लोग आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी अगर कोई ऑफिशियल लेटर आता है, कोई सूचना आती है पुलिस प्रशासन के बाद, तब इस पर देखा जाएगा आगे क्या करना है। देखिए, इस संबंध में कोई ऑफिशियल कोई लेटर या कोई जानकारी मेरे तक तो नहीं पहुंची है। आपको सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसा बताया गया कि ऐसा कोई ट्वीट या ऐसा पोस्ट किया गया, जो किसी को जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं मिली है, तो इस संबंध में अभी मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा। बाकी धर्मनगरी यहाँ सभी का स्वागत है, यहाँ पर आज गंगा दशहरा का स्नान भी है, 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, तो सभी का स्वागत है धर्मनगरी में। और पावन दिवस है तो कोई भी आना चाहता है तो आ सकता है यहाँ पर। शाम 6 बजे का टाइम उन्होंने बताया, वो आरती का समय भी, अगर ऐसा होता है तो पुलिस के लिए क्या अगर ऐसा होता है? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि आज गंगा दशहरा का स्नान है, पर्याप्त पुलिस बल ड्यूटी पर लगा हुआ है, साथ ही साथ श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में आ रखे हैं, तो अगर कोई 10-5 लोग आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी अगर कोई ऑफिशियल लेटर आता है, कोई सूचना आती है पुलिस प्रशासन के बाद, तब इस पर देखा जाएगा आगे क्या करना है।